नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सागर चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम गुड मैनर्स इन इंग्लिश यानी अंग्रेजी में शिष्टाचार कैसे जताते हैं ये देखेंगे। हिंदी भाषा में हम नाम के आगे जी लगाते हैं या फिर आप वे जैसे आदर सूचक शब्द इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेजी में अपने से बड़े से भी बात करते हुए यू यानी तुम का प्रयोग होता है। अंग्रेजी में शिष्टाचार जताने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे प्लीज़, थैंक्स, वेलकम, काइंडली, अलाउ मी, आफ्टर यू, सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, पार्डन, दैट इज़ ऑल राइट, इट्स माई प्लेजर। मान लीजिए कि आपको किसी से पेन मांगना हो तो आप मे आई हैव योर पेन प्लीज़ या फिर मे आई बोरो योर पेन प्लीज़ ऐसा कहिए। गिव मी योर पेन ऐसा कहना बहुत ही अशिष्ट लगता है। अगर आपको पानी मांगना है तो अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़ या फिर गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़ ऐसा कहिए। गिव मी वाटर ऐसा कहना अशिष्ट है। अगर आपको किसी से समय पूछना है तो टाइम प्लीज़ या फिर व्हाट इज़ द टाइम प्लीज़ ऐसा कहिए। व्हाट इज़ टाइम ऐसा कहना अशिष्ट है। अगर आपको उत्तर में हाँ कहना है तो यस प्लीज़ ऐसा कहिए। दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए अंग्रेजी शिष्टाचार वाचक शब्द आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम शिष्टाचार के और उदाहरण देखेंगे। दोस्तों, इंग्लिश भाषा में ग्रामर यानी व्याकरण का अच्छा इस्तेमाल होना चाहिए। गलत व्याकरण इस्तेमाल करने से आपका इम्प्रेशन डाउन हो सकता है। इंग्लिश ग्रामर सीखने और सुधारने के लिए आप ग्रामरली इस फ्री ऐप का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, ये ऐप आपके फ़ोन या फिर पीसी में इंस्टॉल हो सकता है। नेक्स्ट टाइम आप अपने फेसबुक पोस्ट, व्हाट्सएप मैसेज या ईमेल में जो भी टाइप करोगे उसमें से स्पेलिंग और ग्रामर की गलतियों के सुझाव ये ऐप आपको देता रहेगा और एक क्लिक में उसे सुधारेगा। स्पेलिंग और ग्रामर की गलतियों से भरा पोस्ट, ईमेल या कोई भी रिटन मैसेज बहुत ही डाउन मार्केट लगता है। इसलिए दोस्तों, अपने एरर फ्री इंग्लिश राइटिंग से आपका इम्प्रेशन बढ़ाने के लिए आज ही ग्रामरली ऐप इंस्टॉल कीजिए, जिसका फ्री डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। आशा है कि आपने इस वीडियो में कुछ नई जानकारी हासिल की है। अगर हाँ तो कृपया इस वीडियो को लाइक करके इसी तरह की जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।